हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवी मेकओवर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो है, ये जो आई मेकअप है इसको करके दिखाएंगे हम इजी स्टेप्स में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी स्किन को प्रैप करेंगे, जैसे मेकअप में प्रैप करते हैं सीरम, उसी तरीके से हम अपने हाथ पे भी करेंगे, अगर आपको आई मेकअप अच्छे से करना है हाथ पे तो। और आप सेम स्टेप अपने आई मेकअप में भी फॉलो कर सकते हैं, अपने नॉर्मल मेकअप्स में भी। सो यहाँ मैंने मेकअप प्रेप प्लस प्राइम फिक्स यूज़ किया था, और मॉइस्चराइज करने के लिए गार्नियर का मॉइस्चराइजर ले रहा हूँ। आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं, एंड मैं नीविया का भी क्रीम यूज़ करता हूँ, दिस इज़ द बेस्ट वन। एंड मॉइस्चराइज करने के बाद आप अपना ब्रो पेंसिल, जो भी जिससे भी आईब्रो फिल करते हैं उस ले सकते हैं, बट आई सजेस्ट आप जेल लाइनर यूज़ करें। यहाँ पर मैं ब्राउन जेल लाइनर यूज़ कर रहा हूँ। सो आप अपनी ना ड्रॉ करेंगे आईब्रोज़ को जिस तरीके की आपको शेप चाहिए, आप बनाते हैं। अभी फ़िलहाल हाथ पे बनाते हैं, तो आप देख लीजिए आपको जैसी भी आईब्रो ड्रॉ करनी है आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर जैसे ही हमारे क्लाइंट के जिसके भी वो मेकअप कर रहे हैं जैसी आईब्रोज़ होती हैं उसको हम उसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं। गाइज, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ हमें कमेंट करें और हेल्प करें। सो गाइज, यू कैन सी दैट कि आईब्रोज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। देखिए आईब्रो ने के बाद यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्टील ऑर्डर का फाउंडेशन। ये फाउंडेशन गाइज एक बार आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा, आई लव्ड इट। आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, तो दिस इज़ अ थिक फाउंडेशन, आप देख सकते हैं। मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा लिया, हम एक ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रो को हाईलाइट करेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि एक बेस लगाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप बेस ड्रॉ करने के पूरा बेस लगाने के बाद आईब्रो ड्रॉ कर सकते थे, बट यहाँ पे मैं आईब्रोज़ को हाईलाइट करूँगा। आईब्रोज को छो के पूरा शेप दोबारा से ड्रॉ करूँगा मैं, एंड एक बेस कम्प्लीट करूँगा। सो आप देख सकते हैं किस तरीके कर रहा हूँ। अगर आप मेकअप में बिगिनर हैं तो प्लीज़ आप इस स्टेप को फॉलो ना करें, क्योंकि इससे हो सकता है कि आप आईब्रोज़ के ऊपर भी कंसीलर लग जाए तो आपकी आईब्रो ख़राब हो सकती है। बट डोंट वरी, आप उसको दोबारा भी यूज़ मतलब थोड़ा सा सही करते हैं। देन उसके बाद हम देखिए एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, ये बैड ब्यूटी ब्लेंडर है, आप इसे डैप डैप करके फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे। आप ब्लेंडर से कहीं फाउंडेशन को खींच के ना लगाएं, हमें इसे डैप डैप करें। आप एक ब्रश भी ले सकते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बेस। उसके बाद मैं ले रहा हूँ लूज पाउडर, सॉरी अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ डोंट माइंड। यहाँ पे मैंने मेबलिन का लिया है, आपके पास जो भी आप ले सकते हैं, कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हम अपने बेस को सेट करेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं बेस एकदम सेट हो गया है। यहाँ पे मैंने बहुत थिक लेयर यूज़ की थी फाउंडेशन की, लेकिन हम अगर ब्राइडल या किसी में मेकअप कर तो हमको याद रखना आई मेकअप के अंदर का जो बेस है बहुत लाइट यूज़ करना होता है, क्योंकि इससे फिर क्रीज ड्रॉ हो जाती है। देश देखिए यहाँ पे मैंने लिया आई मैट एंड शिमर दोनों हैं इसमें, तो यहाँ से मैं रेड शेड पिक कर रहा हूँ। एंड रेड शेड पिक करने के बाद देखिए मैं एक क्रीज टाइप की ड्रॉ करूँगा, एंड उसके बाद फिर मैं ये ले रहा हूँ हुडा का पैलेट, इसमें से मैंने ऑरेंज शेड पिक किया है। हम डार्क से लाइटर चलेंगे यहाँ पे, आप लाइट से डार्कर भी चल सकते हैं, बट मैं यहाँ से डार्क से लाइट चलूँगा जिससे ब्लेंडिंग एकदम क्लियर एंड परफेक्ट हो। इस शेप आई मेकअप की उसी के ऊपर हम उसके ऊपर हम लाइट शेडो यूज़ करते रहेंगे। यहाँ मैंने ये डार्क येलो शेड लिया है आई मैजिक के पैलेट से, उसको हम ऑरेंज के ऊपर ब्लेंड करेंगे जिससे हमारी एक स्मूथ ब्लेंडिंग देगी। आई मेकअप में ब्लेंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आपकी आई मेकअप में ब्लेंडिंग अच्छी है तो आपका आई मेकअप बहुत परफेक्ट होगा। सो अब देखिए फिर से हम अपनी जो सबसे लोअर पार्ट है आई मेकअप का जो ड्रॉ की थी उसको दोबारा से डार्क करेंगे। मैंने रेड यूज़ किया, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे डार्क ग्रे कलर यूज़ कर रहा हूँ रेड के नीचे, जिससे हम डार्कर टू लाइट होते रहेंगे। डार्क टू लाइट से दिख रहा है ना आपको? गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी शिवी मेकओवर्स पे आप मुझे DM कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। सो आप देख रहे होंगे
आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम एकदम से नीचे से डार्क से लाइट होते जा रहा है आई मेकअप की ब्लेंडिंग, एंड उससे हमें फिर ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। गाइस अगर बोलने में कोई गलती हो रही है तो प्लीज़ डोंट माइंड, सॉरी फॉर दैट। सो ये जोएवा का ब्लेंडिंग ब्रश है, एंड उसके बाद मैं ले रहा हूँ ईयरबड, जिससे हम अपनी शेप को दोबारा से क्लियर करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं, आप अपना कोई मेकअप क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यह मॉइस्चराइज़र लिया है जिससे अपनी शेप को दोबारा से ड्रॉ करेंगे, जिसको हम कट क्रीज करेंगे। मैं इसे फुल कट क्रीज करूँगा, इस वजह से मैं दो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं क्रीज को क्लियर कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ। सो क्रीज इज ऑलमोस्ट क्लीन, वहाँ का आपको दिख रहा होगा फाउंडेशन रिमूव हो गया क्योंकि वहाँ मैंने मॉइस्चराइजर यूज़ किया, या मैंने प्राइमर वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया था इसलिए अभी स्टे नहीं हुआ था फाउंडेशन। एंड मॉइस्चराइजर तो मेकअप रिमूवर का ही काम करता है। एंड उसके बाद मैं उसी फाउंडेशन की हेल्प से अपनी क्रीज़ को कट करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा इसी तरीके के मैं आई मेकअप और भी लेके आऊँगा डिफरेंट स्टाइल में। तो ये तो मैंने फुल कट क्रीज़ किया, तो आप देख सकते किस तरीके से फुल कट क्रीज़ करना है। जहाँ जाकर फाउंडेशन रिमूव हुआ था हम वहाँ पे दोबारा से फाउंडेशन से कवरेज देंगे। सब कितना क्लीन दिख रहा है, एंड फिर लूज़ पाउडर से उसको फिर से हम एक बार फाउंडेशन को शेड कर देंगे। और अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लाइनर, यहाँ पे मैंने लिया बेला वॉस्टे का लाइनर, आके जो भी आप ले सकते हैं। एंड अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़्यादा महंगा वाला यूज़ ना करें, आपके पास जो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी एक लाइनर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं लेस लाइन जिसे बोलते हैं हम लोग उसे ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे हमारा आई मेकअप बाहर ना भागे उसके अंदर ही फिल रहा है। एंड आईब्रोज को और ओरिजिनल दिखाने के लिए, तो अब आप पास से देखिएगा, हम आईब्रोज के हेयर ड्रॉ करेंगे हल्के हल्के हाथों से, हम ब्रश को चलाते रहेंगे। अगर आपको ये पार्ट समझ में ना आ रहा हो तो इसका मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, बता दीजिएगा मुझे। आप स्केच लाइनर भी ले सकते हैं, बट स्केच लाइनर का निप अगर मोटा है तो आप प्लीज़ ये ब्रश लाइनर यूज़ करें आईब्रोज को ड्रॉ करने के लिए, जो एक ओरिजिनल लुक देता है, जिसे हम 3D मेकअप बोलते हैं ना। सो आप देख रहे होंगे आईब्रोज एकदम ओरिजिनल लगने लगी हैं। सो आफ्टर दिस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक लिक्विड लिपस्टिक, दिस इज़ वेरोमटी लिपस्टिक, एंड ये मैंने रेड शीट लिया है। गाइस इट्स लिपस्टिक इज़ वेरी नाइस, ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है, आप अपने मेकअप्स में यूज़ कर सकते हैं। ये आई मेकअप में यूज़ कर रहा हूँ, बट आप अपने लिप्स कलर के लिए एकदम मैट और इसमें शिमर दोनों शेड आते हैं, मेटेलिक शेड भी आते हैं, इट्स टू लॉन्ग लास्टिंग। हम ऊपर से थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिपस्टिक की हेल्प से अपनी क्रीज़ को दोबारा ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, मे बी मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ बोलने में, बट आप देख के समझ सकते हैं। पूरा आंखों के आगे से कब पूरा फिल नहीं करेंगे, आगे से थोड़ा पोर्शन छोड़ के, जिसे हम ब्लेंडिंग बोलते हैं ना, एक ब्लेंडिंग टाइप का देखिएगा उस तरीके से फिल करेंगे। एंड पीछे हम थोड़ा डार्क करते चलेंगे। ये मैंने लिक्विड लिपस्टिक ली है, आप यहाँ पे आप मैट या मतलब जो भी लिपस्टिक है आप यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट तरीके करके दिखाऊंगा किस किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। एंड यहाँ से ले रहा हूँ मैं गोल्डन शेड आईज़ के स्टार्टिंग में, जो हमने पार्टीशन छोड़ा था उसमें मैं गोल्डन शेड फिल करूँगा। यहाँ पे मैं शिमरी मेकअप कर रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। पूरी आंखों पे गोल्डन नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से गोल्डन करते हुए चलेंगे, एंड बीच में मिड पार्ट में इसको एक ब्लेंडिंग
टाइप का हमको दिखाना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कहाँ तक गोल्डन से ड्रॉ किया है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ग्लिटर। ये मैंने सिल्वर कलर का ग्लिटर लिया है और ये है आई मैजिक आई वो आई ग्लिटर ग्लू। ये ट्यूबी ग्लू होता है, आपके पास जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आई मैजिक का तो मैं आपको बताते चलो मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। एंड फिर हम लेंगे ग्लिटर्स को, आप देख सकते हैं ग्लिटर्स को पूरा फिल कर देंगे, बट पूरी आँखों पर नहीं, सिर्फ मिड पोर्शन में फिल करेंगे। एंड उसके बाद लेंगे फिर से हम अपने ब्रांडिंग ब्रश में रेड शेडो एंड ग्लिटर्स एंड रेड लिप कलर के बीच में हम एक ब्लेंडिंग पार्टीशन शो करेंगे। एंड आफ्टर दिस मैंने लिया एक कॉर्नर ब्रश में डार्क शेड एंड फिर से मैंने पीछे से डार्क ब्लेंडिंग की है। तो आप देख दें कि डार्क से लाइट होता चला आ रहा है मेकअप पूरा। तो आफ्टर दिस जितना भी एक्स्ट्रा ग्लिटर होगा गिरा होगा आप क्लीन कर सकते हैं फैन ब्रश की हेल्प से। तो मैं अभी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। सो आई मेकअप कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम दोबारा से आई लाइनर ड्रॉ करेंगे। आई लाइनर अपनी अकॉर्डिंग अपनी शेप के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको रखना अच्छा लगता हो वैसा कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं नॉर्मल लेस लाइन ड्रॉ किया जिसे हम लाइनर भी बोल रहे हैं। लेस लाइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी हम लेशेस बनाएंगे, तो अगर लेसेस 3D बनाने के लिए मैं इसका अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, बट मैं भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के जो आई लेसेस है हमारे आंखों के पास का उसको हम आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे एंड पीछे का पीछे की तरफ, और बीच में थोड़ा स्ट्रेट भी लेसेस ड्रॉ करेंगे, कुछ छोटे कुछ बड़े इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जो एक नेचुरल लुक देता है। और बीच में थोड़ा क्रॉस सेक्शन करेंगे, एक आगे एक पीछे एक आगे पीछे करके, और पीछे वाले हम पीछे की तरफ करेंगे, उनको थोड़ा लंबा रखना है। आगे के लेसेस थोड़े छोटे ड्रॉ करने हैं, पीछे के थोड़े बड़े, और मिड वालों को क्रॉस सेक्शन में करना है जिससे एकदम नेचुरल लेसेस लगेंगे। एंड लेसेस ड्रॉ करने के बाद आप हाईलाइटर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है शिमर शेड, वाइट शिमर शेड, जिससे मैं ब्रोबन को हाईलाइट करूँगा एंड अपने आई कॉर्नर को। ये हमारे मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आईब्रो बोन को हाईलाइट करना और कॉर्नर को, बट अब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, ये मेकअप में समझ में आता है। सो मेकअप इज़ कम्प्लीट गाइज, आप देख सकते हैं।